AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र की आप अब तक की सबसे बड़ी सभा हो। उद्धव ठाकरे साहब का आगमन होगा 26 तारीख को और मालेगांव की भूमि से महाराष्ट्र को और देश को एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। कुछ जगह पे सर पोस्टर भी थोड़े फाड़े गए हैं और परसों आपका पुतला जिस दिन फूंका गया उस दिन सिर्फ 68-69 की ही कार्रवाई की गई हम लोगों पे। देखिए ये सत्ता है, ये सत्ता की मस्ती होती है, लेकिन ये सत्ता ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। हमने जो आरोप किया है, आरोप नहीं सच कहा है, यहाँ के जो गार्डन मिनिस्टर है उसने गिरना शुगर फैक्ट्री के बारे में जो भ्रष्टाचार करप्शन किया है उस बारे में हमने कुछ सवाल पूछे। यहाँ के किसानों का पैसा है कहाँ गया पैसा 175 करोड़ रुपए? ये अगर हमने पूछा है तो आपकी दाढ़ी को आग लग गई क्या? हाँ तो हम सवाल पूछेंगे आपको, आपको हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। त्यांनी असं सांगितलं की आमचे आरोप सिद्ध झाले तर आम्ही राजकारण सोडून देऊ। त्यांनी असं सांगितलं आरोप सिद्ध झाले तर आम्ही राजकारण सोडून देऊ। आरोप सिद्ध नाही, आरोप हे मी आरोप नाही, मी सत्यच सांगतोय, हे हवेतले आरोप नाहीये। तुम्ही पैसे गोळा केले शेतकऱ्यांच्या नावावर, बरोबर आदोजी 175 कोटीचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागेल, ते आधी पूर्ण हिशोब द्या आणि मग बघू कोण राजकारण सोडतंय। त्यांनी असंही म्हटलं होतं की जर माफी मागितली नाही मालेगावकरांची, आपण मालेगावला आलेलो आहे, मी मालेगावात आलेलो आहे, माझ्या आजूबाजूला आपण पाहिला असेल संपूर्ण शिवसेना उभी आहे। 26 तारखेला मालेगावच्या जाहीर सभेत संपूर्ण शिवसेना तुम्हाला उसळून आलेली दिसेल, शिवसेना जागेवरच आहे, 2-5 तारखे इकडे तिकडे गेले असतील पण शिवसेना जागेवर आहे। सर राहुल गांधी के बारे में फैसला आया है, राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप जिस तरह से खत्म कर दी है ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, निजाम का संदेश है, झुक जाओ या जेल में जाओ, जो नहीं झुकेंगे वो जेल में जाएंगे या उनकी राजनीति खत्म की जाएगी। अब वो जो नहीं लड़ेंगे, जो लड़ना नहीं चाहते, वो सभी ने गुलाम बनने की तैयारी करनी चाहिए। मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने जो निर्णय लिया है राहुल गांधी जी के बारे में लोकसभा का सदस्यत्व खत्म करने का, उसका धिक्कार किया है। और उद्धव जी का यह कहना है, उद्धव ठाकरे साहब का यह कहना है, ये लड़ाई अब शुरू हो गई है और ये जंग अब खत्म नहीं होगी जब तक लोकतंत्र की जीत नहीं होती। हम पूरी तरह से मेरी पार्टी की भावना राहुल गांधी जी के साथ है और जरूर पूरे देश को एक सदमा लगा है कि किस तरह से ये सरकार अपने विरोधियों को कुचल रही है। सभी जो एजेंसीज का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे संसद हो,
सभी की स्वतंत्रता खत्म कर दी मराठी मध्ये सर मराठी स्थगिती दिलेली असताना त्यांची खासदारकी रद्द करणं ही मनमानी आहे, हा दडपशाही आहे. चला.